तूफानी बारिश हो रही है, तूफानी पानी बारिश। पहले दो तीन दफ़ा वीडियो मैंने बनाई है लेकिन वो नहीं बनी, तो मैं इस मोबाइल से बना रही हूँ। तूफानी बारिश, गेट खोलती हूँ आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी तेज बारिश है। आपको देखा हूँ बाहर से, पानी यहाँ मुर्गी बैठी थी वो मैंने उठवा ली, पता नहीं किसकी थी, किसकी बारिश में भीग रही थी वो। एकदम से दे देखे ना, तेज होगी बारिश फिर एकदम हल्की हो जाती। ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, ओए हुए, छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं, पड़ छोटे छोटे रहे हैं। ये अब पड़ना शुरू हो गए, ओह ओले पड़ना शुरू हो गए हैं जी। लेकिन हो थोड़ा लाहौल वाला कुआ तेला बिल्ला, बिजली भी इतनी जोर से चमकी, अभी कड़केगी भी सही ना। मेरे ख्याल में कहीं ओले पड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पड़े हैं थोड़े से, यहाँ छोटे छोटे ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ, छोटे छोटे बर्फ़ की तरह गोले। ये बच्चे आए थे सिपारा पढ़ के तो सारे भीग गए थे, तो इनके मैंने कपड़े चेंज करवाए हैं। कपड़े तो इनके नहीं थे, फिर मैंने जो भी पड़े हुए थे मैंने इनको पहना दिए थे। माफ़ी दे, अस्तगफरुल्लाह। चलो उधर साइड पे होके लाहौल वाला कुआ तेला बिल्ला, लाहौल वाला कुआ तेला बिल्ला, ऐसे है सैलाब है बिल्कुल। मैं भी बाहर गई थी अपना जो मैंने घर लिया है घर देखने के लिए, तो मैं ये वाले कपड़े पहन के गई थी, क्योंकि अब नज़र ही नहीं आ रहे, अंधेरा हुआ हुआ है बिल्कुल। पर वो लॉक लगा हुआ था बेटा, नहीं मोटे मोटी कनिया पड़ रही है। बहुत बारिश है, बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज तो ये हाल है कि तूफानी बारिश हो रही है। ये बच्चे गए हुए थे सिपारे पे, और जब सिपारे से वापस आए हैं तो भीगते हुए बिल्कुल ऐसे जैसे नहाए हुए हो पानी में ना। फातिमा को वैसे भी एलर्जी हो रही है क्योंकि ये स्टमक पेशेंट है, तो ज़रा सी ठंड पड़ जाए तो इसका नाक बंद होने लग जाता है, फिर आंखों में खारिश शुरू हो जाती है। वो सामने मोहम्मद हुसैन, ये मुनीरा और ये फातिमा, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। फिर अभी मैंने कहा बारिश हो रही है तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूँगी बाहर, ऐसे तूफ़ानी बारिश कहीं पड़े हैं मेरे ख्याल में इस्लामाबाद वाली साइड पे, मतलब I-10 I-11 इस साइड पे कहीं ओले पड़े हैं, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल इतने इतने छोटे छोटे से ओले पड़ रहे थे और एकदम से गरज चमक शुरू हो गई थी। तो अभी बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, लेकिन हल्की होती है फिर एकदम तेज़ हो जाती है, फिर हल्की होती है फिर तेज़ हो जाती है। तो मैंने इससे पहले ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, तो मैं अपना घर देखने के लिए गई थी, जो उसकी सफाई करवानी थी जो मैंने लिया है, तो उसमें जब मैं वापस आई हूँ तो वो कपड़े मेरे सारे भीग गए ना। तो फिर मैंने आके कपड़े चेंज किए और ये ग्रे वाला सूट पहना है, ये बनारसी बूटी वाला ग्रे वाला सूट पहना है। तो अभी वो सूट मैंने बाहर डाला हुआ है, मैंने कहा वो सूख जाएगा तो उसको पहनूंगी। तो बहुत सख्त बारिश हो रही है, बहुत शदीद किस्म की है, पता नहीं देखें शायद इधर अभी बेटा अभी 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 बारिश रुकती है ना फिर चले जाना, ठीक है? इतनी सख्त बिजली गजक रही है। क्या कर रही है? गजक रही है, कह रही हूँ मैंने घर जाना, बस उनकी मर्जी। बारिश रुकती है हम कपड़े चेंज करेंगी ना, हम कपड़े बाहर बिजली गजक रही है, गजक रही है बिजली, गजक रही है। इसके बाल अभी भी गीले हैं दीदी, बारिश तो बदलक रही है। छतरी मेरे पास नहीं है, छतरी अम्मी के पास है, वो जुनेद लेके गया हुआ है। चलें बने रहे मेरे साथ, फिर अभी उठते हैं हम लोग, खाना शाना बनाती हूँ। आज मेरा इरादा है दाल चावल बनाने का, दाल चावल बनाती हूँ, ठीक है? तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। अच्छा जी, अज़ान हो रही है तो अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ असर की।
नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, ठीक है।
जी जनाब, नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई, अल्लाह के हजूर सजदा दे के दुआएं पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई। असर की नमाज़ हुई है ये अभी, और बस थोड़ा सा टाइम, घंटा सवा घंटा रह गया है इफ्तारी के लिए। तो चलें अब किचन में चलते हैं, चल के मैं इफ्तारी का सामान बनाती हूँ। अभी तक राहीन आई नहीं है, उसको मैंने कहा था, मैंने कहा दही और आलू लेके आए, क्योंकि आलू ख़त्म हो गए, तो अब दही और आलू लेके आएगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चना चाट बना लूँ आलू बॉईल करके। यहाँ अभी दो आलू पड़े हुए थे, तो आएगी तो फटाफट आलू बॉईल करके तो चना चाट बना लूँगी। सालन मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने कहा कबाब पड़े हुए हैं, कबाब के साथ फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, आटा गूंधेगी, साथ रोटी बना लेंगे और रोटी हम खा लेंगे। चले किचन में चलते हैं, नमाज़ पढ़ के फारिग हो गई हूँ। आप लोगों ने भी नमाज़ पढ़ी होगी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा। मैं तो जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ने इतना करम किया हम पे कि एक मुसलमान घराने में हम लोगों को पैदा किया। और बस मैं तो बार बार यही शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, ठीक है। और चलें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे मुझे, तो प्लीज़ कमेंट्स भी मुझे किया करें, ताकि मुझे पता चले कि अगर कोई कमी बेशी है तो मैं उसको मतलब कवर करूं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी किया करें, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को शेयर करें मेरे, ताकि सब्सक्राइबर मज़ीद बढ़ें, टाइम पीरियड मेरा पूरा हो। तो अल्लाह मियाँ इस रमज़ान के सदक़े मेरी ये जो काविश है ये पूरी हो, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो चलें बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो जैसे जैसे आगे आगे मैं अपना काम करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। जी जनाब, बाहर का आपको नज़ारा करवाती हूँ। आज बादल भी हैं, धूप तो नहीं है लेकिन रोशनी है, बादल हैं, ये देखें। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, अल्लाह का शुक्र है मौसम ठंडा है। और मेरे फेस पे देखें स्वेलिंग भी आई हुई है, बस इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में, कुछ 4-5 दिनों में इंशाल्लाह यहाँ से भी मूव कर जाएंगे, अपने घर चली जाऊँगी मैं, दूसरे नए घर जो नया घर लिया है उधर चली जाऊँगी। ये बारिश की वजह से मेरा खेत सारा गीला हो गया था, जो अभी तक नहीं सूखा, इतनी नमी हो रही है कि बारिश की वजह से अभी तक नहीं सूखा ये ना। चलें अंदर चलते हैं, लाइट भी जा चुकी है, पता नहीं बेवक्ता ही लाइट चली गई है। दरवाजे को करें बंद और यहाँ बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, अभी तो लाइट भी गई हुई है। तो मैंने कहा चलें आपको बाहर का भी नज़ारा करवाऊं, और एकदम से ठंड हो गई है, बाहर आके बैठी हूँ तो ठंड लग रही है। सारे ये सोफ़े जो पे सब ठंडे हुए हैं, हालांकि शॉल पहनी हुई है, इतनी मोटी है शॉल ये। तो ये भी मैं, इसकी भी एक कहानी है कि ये मुझे कहाँ से मिली, इतनी खूबसूरत, इतनी बाबरकत चादर है ये मेरी। ये मुझे मैं लाहौर गई थी, तो मतलब अपनी भांजी की शादी पर हम लोग लाहौर गए थे, वलीमे पर गए, तो वहाँ हम लोग बीबियाँ पाक दामन गए, दाता साहब भी गए। तो बीबियाँ पाक दामन मैं जब सलामी देने के लिए गई आगे उनके दरवाज़े के पास, तो वो मुजाविर खड़ा हुआ था उधर, तो उसने बीबी के मज़ार के ऊपर से चादर ये उतारी और ये मेरे सर पे डाल दी, मेरे कंधे पे रख दी ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ये चादर थी, एक रेड कलर की है, उसके ऊपर सारा लिखा हुआ है, कलमा शलमा गुल वगैरह ये लिखे हुए, एक वो मुझे दी। दो चादरें ये थी, ये मुझे दी, ये वाली चादर तो फिर मैंने नमाज़ के लिए बना ली कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं ये चादर ज़रूर पहनती हूँ, तो अच्छी बरकत वाली चादर है, बीबी साहब की मज़ार की चादर है ये। तो ले जी, लाइट भी आ चुकी है और एकदम गई थी, एकदम से आ गई है, पता नहीं ये क्या तमाशा है, पता नहीं शायद बारिश की वजह से है, लाइट का भी इशू हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो आप लोग सुनाएं कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठंडे और मज़े के। वैसे भी रोज़ा कुछ नहीं कहता, गर्मियों के भी मैंने रखे हैं तो तब भी कुछ नहीं कहता रोज़ा, और ये तो फिर ठंडे रोज़े हैं, कुछ भी नहीं कहते। तो बस अल्लाह मियाँ हिम्मत दिए रखे, अल्लाह पाक। बाहर दिखाऊँ आपको, एकदम से बादल आ गए हैं, काले स्याह बादल देखें कैसे काली घटा उठी हुई है बादलों की इस साइड से भी।
अभी तक बच्चे आए नहीं हैं, इस टाइम तक तो आ जाते हैं। अभी बादल बने हुए हैं, बारिश का मूड बना हुआ है। अभी हम अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बेसन भिगो दिया है, ये देखें बेसन मैंने भिगो दिया है, और सिर्फ ये दो आलू पड़े हुए थे, तो इनको फ़िलहाल इनके पकोड़े बनाऊंगी। और बस ये दाल बनी हुई है, थोड़ी सी रह गई है, ये हम दोनों के लिए तो बहुत हो जाएगी। कबाब भी है, दाल भी है, और ये थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, साथ में एक आलू रोटी बना लेंगे। आके ये बर्तन भी धोएगी और थोड़ा सा आटा गूंदेगी। कढ़ाई मैंने धो दी थी, तो दरवाज़े को करते हैं बंद क्योंकि ठंड आती है। अभी जुनेद कल इंशाल्लाह ये कूड़ा भी मैंने फिकवाना है, कल सुबह जुनेद को बुला के, तो ये कूड़ा बस यही शॉपर है, फिकवा दूँगी। तो चलें इधर बैठती हूँ, अभी बज रहे हैं जी 5, तो आधे घंटे बाद उठूँगी और फिर मैं इफ्तारी का सारा सामान जवान तैयार करूँगी। इफ्तारी का सामान शुरू करूँ, चूल्हा जलाएँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कढ़ाई रखें इस पर, और ये मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बना के रखा हुआ है। इसमें है प्याज, आलू जो दो आलू थे, और पालक, धनिया, और वो क्या कहते हैं पुदीना, ये मैंने बना के इसमें रखा है। नमक मिर्च वगैरह सारा डाला हुआ है। इसमें डालें हम ऑयल। मोबाइल के फ्लैश को पता नहीं क्या हो गया जो एकदम से बंद हो जाती है। बिस्मिल्लाह। रमज़ान शरीफ में मैंने पहले भी बताया कि ऑयल बहुत लगता है, जो मैं लेके आई थी ऑयल, आज उसका आखिरी पैकेट था, तो कल अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सौदा लूँगी मैं। अभी तक बेटी भी नहीं आई, टाइम काफ़ी हो गया तो वो भी नहीं आई अभी तक, काफ़ी मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसका, अभी तक नहीं आई है वो, कहीं भी नज़र नहीं आ रही। करती हूँ उसकी टीचर को फ़ोन करती हूँ ताकि उसको छुट्टी दें, 6 बज रहे हैं। चलिए मैं ज़रा उसकी टीचर को फ़ोन करूँ। क्योंकि 6 बज रहे हैं, आते आते टाइम हो जाएगा। दही का भी मैंने उसको बोला था, दही भी लेके आनी है उसने। ये नंबर आ गया उसका, कॉल करूँ। ऑयल गर्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैमुना, बेटा भेज दो राहिन को, 6 बज रहे हैं, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। ठीक है, चलें इफ्तारी बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, पता भी नहीं चला और एक हफ्ता गुजर गया, 6 थोड़े से ही रह गए रोज़े, जाने वाले हैं रोज़े। चलें जी इफ्तारी शुरू करें अब हम, पकोड़े बनाओ। बस बेटी भी आने वाली है अभी, उनकी उसकी एकेडमी से मैसेज आ गया कि बस आने वाली है वो, तो अब मैं एक बना लूँ पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए नीचे गिर गया। जिस वक्त यहाँ से शिफ्ट होना है ना हमने, फिर इंशाल्लाह ताला ये चूल्हा ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी करके धो धो के फिर जाऊँगी मैं, साथ ही लेके जाऊँगी। आज कुछ भी बनाने के लिए मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा चलें जो दाल पड़ी हुई है थोड़ा वो हो जाएगा, साथ कबाब बनाए में कबाब हो जाएंगे, साथ में ये क्या कहते हैं पकोड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है, इसी से ही हम रोज़ा भी खोल लेंगे और रोटी भी खा लेंगे। बस आके फटाफट उसने वो बनानी है, आटा गूंदना है और रोटी बना लेंगे।
इससे हम लोग पकोड़े निकालते हैं ऑयल में से फ्राई करके। पता नहीं मोबाइल के ना फ्लैश को क्या हो गया कि इस मोबाइल की फ्लैश नहीं जलती है, कोई समझ नहीं आती है क्या मसला हो गया, तो इसीलिए ज़रा वीडियोस जो हैं वो अंधेरी अंधेरी आती हैं। इंशाल्लाह नए घर में मैं बड़े बल्ब लगवाऊंगी ताकि रोशनी ज़्यादा हो तो सही तरह से वीडियो बन सके। दरवाज़ा खोलती हूँ तो ठंड हो जाती है कि आज ऐसी ठंड है कि जैसे सर्दियों में होती थी ना, जैसे बर्फ कहीं पड़ी हुई हो उस टाइप की ठंड है। चले रोज़ा मतलब इफ्तारी का सामान बना के तो फिर आप लोगों के साथ। ये देखें ये बन रहे हैं पकोड़े, अभी बस एक चक्कर डाला है मैंने तो बाकी ये थोड़ा सा और पड़ा हुआ है मसाला, ये हो जाएगा। बेटी तो साथ ही मैं रोटी बना के नमाज़ पढ़ के तो रोटी बना के तो फिर वो खा लेंगे, उस वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दिखाऊँगी आपको। चलें इफ्तारी के बाद आपसे मिलते हैं, आएँ आप लोग भी इफ्तारी करें, दुआओं में याद रखें, इस टाइम कबूलियत की घड़ी होती है तो लाजमी लाजमी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बहनों के लिए, सब के लिए। अच्छा मुझे भूख लग रही थी तो मैंने ना ये देखें कबाब फ्राई किए हैं, साथ में अंडा लगाया तो अंडा बचा वो मैंने कबाबों के ऊपर डाल के तो उसको फ्राई कर लिया ऐसे, और ये रोटी बनाई पराठा बनाया मैंने और साथ में ये फ्राई की हुई हरी मिर्चें, आ हा हा हा, इसमें मैंने डाली थी चाट मसाला और ये दो चार पकोड़े बचे पड़े हैं। ठीक है पकोड़े रख दूँगी, कबाब मेरे हो गए फ्राई, प्लेट में हम कबाब निकालेंगे। अब केचप भी नहीं है, चटनी भी नहीं है कोई, तो ऐसे ही बग़ैर चटनी बग़ैर केचप। ये जी मेरा खाना तैयार हो गया, ठीक हो गया। तो ये देखें ये मैं रात का खाना खा रही हूँ और सहरी के टाइम पे दोबारा बनाएंगे, जो भी अंडा भी अंडे भी पड़े हैं सारा कुछ है, दही भी मैंने मंगवा लिए कह के किसी को। तो अब चलें मैं खाना खा लूँ फिर बात करती हूँ। जी खाना शाना खा के मैं फ्री हो गई और काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि इफ्तारी के टाइम रोटी नहीं खाई थी मैंने और उस वक्त भूख नहीं लग रही थी, तो अब एकदम से भूख लगी है तो मैंने कहा चलें रोटी बनाऊँ और साथ कबाब फ्राई करूँ, तो वो कर लिया खा भी लिया मैंने। और मैंने कहा चले अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया, नौवां रोज़ा भी खैर से गया, सुबह दसवां रोज़ा होगा, तो चलें अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास डेली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के पास शेयर होती रहें। ठीक है और बस यही कहूँगी हर नमाज में अपने लिए भी और हम सब के लिए दुआ किया करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरी जितनी बहनें पाकिस्तान में हैं, जो बहनें बाहर रहती हैं, सब के लिए बहुत सी दुआएं मेरी तरफ से भी और मेरे दिल से सब के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपने ख़जाने से नवाजता रहे और अपना मोहताज रखे, सबको किसी का मोहताज ना रखे। चलें जी अपना बहुत सा ख्याल रखें और कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह, अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।